हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मीठा बनाने वाले हैं। मीठे में हम आटे का हलवा बनाने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बन जाएगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने एक बर्तन लिया है, उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, इसे स्किप भी कर सकते हैं आप। इसकी जगह आप केसर भी डाल सकते हैं इसमें। अभी इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब हम एक पैन या कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम तेल डालेंगे। आप घी में भी बना सकते हैं, मैं तेल में बना रही हूँ। अब हम आटा डाल देंगे इसके अंदर, जिसको मैंने छान के रखा था। आटे को छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मोटा मोटा जो वो रहता है वो निकल जाता है उससे। तब हम इसे अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक कि आटे में से अच्छी सी खुशबू आने नहीं लग जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। तो देखिए, हमारा आटा अच्छे से भून चुका है तेल के अंदर और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर पानी डालना है हमें। एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छी सी खुशबू आने लगी है इसके अंदर से। तो अब हम धीरे धीरे कर इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे एक तरह हम चलाते रहेंगे, क्योंकि इसे चलाते रहने से इसके अंदर गांठें नहीं बनेंगी। अगर इसके अंदर गांठें बन जाएंगी तो फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा हलवा। इसलिए हमें धीरे धीरे पानी डालते रहना है और इसे चलाते रहना है, ताकि एक भी गांठ नहीं बनेगी इसके अंदर। तो अब हम इसे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे इसको भी। और हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम एक कटोरी आटा लेते हैं तो उसमें दो कटोरी पानी जाएगा और उसमें आधी कटोरी शक्कर जाएगी। और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो शक्कर और ज़्यादा डाल सकते हो आप। इसे हम अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे हम। तो देखिए, तैयार है हमारा हलवा बन के, एकदम रेडी है। शक्कर इसमें अच्छे से घुल चुकी है, ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे और तैयार है हमारा आटे का हलवा बनकर। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।